नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है। टेस्ट मैच के पहले दिन न्यूजीलैंड ने खेल खत्म होने तक 3 विकेट के नुकसान पर 246 रन बना लिए। मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड के लिए डेब्यू करने वाले ओपनर डेविन कॉनवे ने अपने पहले ही मैच में इतिहास रच दिया और क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स में शानदार शतक लगा दिया। शतक के साथ ही डेविन कॉनवे ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस दौरान उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का 25 साल पुराना एक रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। मैच के पहले दिन न्यूजीलैंड के लिए टॉम लेथम के साथ पारी का शुरुआत करने का मौका डेब्यू करने वाले डेविन कॉनवे को मिला। दोनों ने पहले विकेट के लिए 58 रन जोड़े। टॉम लेथम 23 रन बनाकर आउट हुए। उनका विकेट इंग्लैंड के लिए डेब्यू करने वाले ऑली रॉबिन्सन ने निकाला। इसके बाद कप्तान विलियमसन का विकेट दिग्गज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने निकाला। विलियमसन 13 रन बनाकर बोल्ड हुए। इसके बाद रॉस टेलर भी सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद डेविन कॉनवे और हेनरी निकल्स ने पारी को संभाला और दिन का खेल खत्म होने तक टीम को और कोई झटका लगने नहीं दिया। इस दौरान डेविन कॉनवे ने शानदार शतक जमाया। कॉनवे ने मैच के पहले दिन डेब्यू पर शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया और वो ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज भी बन गए। इसी के साथ ही 132वां रन बनाते ही उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान को भी पीछे छोड़ दिया। पहला मैच खेलते हुए सबसे बड़ी पारी का रिकॉर्ड 25 साल पहले 1996 में गांगुली ने बनाया था। गांगुली ने 1996 में अपनी पहली पारी में 131 रनों का स्कोर बनाया था। डेविन कॉनवे और हेनरी निकल्स के बीच अब तक 289 गेंदों पर 132 रनों की साझेदारी हो चुकी है। डेविन कॉनवे ने 240 गेंदों पर 136 रन बनाकर नाबाद हैं। डेविन कॉनवे ने अपनी पारी में 16 चौके लगाए हैं। इसके अलावा हेनरी निकल्स भी 149 गेंदों पर 46 रन बनाकर नाबाद हैं। इंग्लैंड के लिए ऑली रॉबिन्सन और जेम्स एंडरसन ने विकेट निकाले हैं। ऑली रॉबिन्सन ने 2, वहीं जेम्स एंडरसन ने 1 विकेट निकाले हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।